السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن أبي هميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حزو منكبي وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابذهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله على... جلس على رجله اليسرى، ونسب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى. व नखरा वका मकती अजुरी बुलगुलमराम बिन अदिलहकाम की हदीस नंबर दो सौ ग्यारह अभी आपके सामने पढ़ी गई है हदीस के रवी अबू हमैदी रदील तय अबूमदी रदी ताला तन मशहूर सहाबी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ के सिलसिले में आपकी रवायत बहुत मरूफ है अभी जो आपके सामने हदीस पढ़ी गई है अबू अब हमैदी रवी अल्लाह तुम की इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ का तरीक़ा बयान किया गया है आइए पहले सहाबी रसूल के बारे में जानते हैं अब हमैद असायदी ये कन्नीत है अबू हमैद ये कुत है उनका नाम अम्र था मीम रा एक उमर होगा जो बगैर वाव के होगा जैसे उमर बिन खत्ताब उमर बिन ख़त्ताब और अम्र जब कहेंगे तो वाओ के साथ होता है आन मीम रा अम्र तो उलमा ने यह कहा है कि इनका नाम अम्र था लोगों ने भी कहा है कि अबू हमेद असाइदी का नाम मुंजिर बिन साद बिन मुंजिर था बस लोगों ने उनका नाम अब्दुल रहमान बताया है अब्दुल रहमान बिन साद बहरहाल इनके नाम के सिलसिले में इख्तिलाफ है अबू हमेदी जो कुत यहाँ बयान की गई है इनके नाम के सिलसिले में इख्तिला है बाद लोगों ने ये कहा कि उनका नाम अम्र था बाद लोगों ने कहा मुंजिर था बाद लोगों ने कहा कि अब्दुलरहमान था और बाद लोगों ने मालिक भी कहा है एक नाम क्या बताया गया है मालिक ये मदीना के थे कबीले हजरज मदीना के साहबा को मदीना के मुसलमान को अंसारी कहते हैं तो ये अंसारी साहबी हैं अबू हमेद अलसारी अस्साड़ी। अस्साड़ी जो कहा गया है ये इनके बाप सायदा की तरफ मंसूब होने की शायदी कहलाया खजरज के बाप खजरज के बाप यानी कबीले खजरज के बाप सायदा की जानब मंसूब होने की वजह से कहलाए अबू हमैदी रज़ी तंग उहद और जंग बद्र इन दो जंगों में शिरकत नहीं की थी बद्र में नहीं शरीक थे उहद उहद की जंग में नहीं शरीक थे उसके बाद के जो गजवात हैं उसके बाद की जो लड़ाइयाँ हैं जैसे जंग ख है खैबर है तो उन तमाम गज्वात में अल्लाह के रसूल सलील वम के साथ शरीक थे अबू हमैद असाइरी रजी अल्लाह तुकी की तारीख़ वफात इकसठ हिजरी या उसके बाद का दौर है इस इनके इख्लाफ उनकी वफात में भी इख्तिलाफ़ है बाद लोगों ने कहा कि उनकी वफात सन इकसठ हिजरी में हुई है और बाद लोगों ने कहा कि इकसठ के बाद हुई है ये मख्तसर मालूम सहबी रसूल अबू हमेद असायद रदील्ला तुम के मुतल थी अब आइए हदीस की तरफ وان ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر جعل يديه حذو من كبي اذا من جب كبر من الله اكبر कहना كبر الله اكبر कहना जा हजव मन की बई ही जा अला ही यद माने हाथ यद माने हाथ यदई ही दोनों हाथ हजव मन की बई है हज माने बराबर बिलमकाबिल हजव हज व मन की बई ही तो हजवा का माना क्या होगा बराबर मुकाबिल मन की माने कंधा मन की बई ही दोनों कंधा कंधा शोल्डर वही दा रका कदई ही मे रुक बतई ही सुरा जह रहू वही दा माने जब रका मने रुकू करना रखा माने रुकू करना अम कना ही अम का नदई के माना होगा अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को मजबूती से पकड़ लिया अम कना ही दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया अम कना यूं की माना होता। मजबूती से पकड़ना अम कना मजबूती से पकड़ना यद मने हाथ यदई ही दोनों हाथ मैं रुक बतई ही रुक बह रुक बतून रुकबा कहते हैं घुटना रोग बतूर माने हुआ घुटना पैर जहां से मुड़ता है पिंडली और रान के मिलने की जगह पिंडली और रान के मिलने की जगह एक होता है टखना टखना कहाँ होता है जहां आदमी का कपड़ा लटकता है पैंट सलवार, पाजामा लुंगी जुब्बा यहाँ लटकता है एड़ी से जो ऊपर होता उसको है उसको टखना कहते हैं और टखने के ऊपर आ जाइए डेढ़ फिट के ऊपर या एक फिट के ऊपर एक मोटी सी गोल की हड्डी है मोटी सी गोल की हड्डी है रा, रान यानी कमर के नीचे और टखने के बीच में जहाँ से पैर फोल्ड होता है उसको कहते हैं घुटने की हड्डी रुकबा कहते हैं घुटने की हड्डी तो उर्दू में ये शुभ हो जाता है एक होता है टखना एक होता है घुटना टखना जो होता है ये एड़ी से कदम के ऊपर होता है एड़ी और कदम के ऊपर होता है यानी जहाँ जो वजू में झुलते हैं पैर तो जो हड्डी झुलते हैं उसको टखना कहते हैं जहाँ कपड़ा लटकता है जहाँ कपड़ा लटकता है उसको टखना कहते हैं टखने के ऊपर जो पैर है मैंने पैर की जो हड्डी है लंबी सी और जहां से वो फोल्ड होता है यानी टखने से अगर आप ऊपर आएंगे तो डेढ़ फिट या सवा फिट के आसपास में एक गोल सी मजबूत हड्डी है गोल सी मजबूत हड्डी है जो पिंडली और रान के मिलने की जगह है यानी जहाँ से पिंडली और रान जो है ज्वाइंट होती है हड्डी उसको घुटना कहते हैं में उसको कहते हैं रुकबा उसको कहते हैं रुकबा वहीदा अम कना वही दा रक आम कना यदही ही तो रुकबा माने होता है घुटना रुकबत ही दोनों घुटना सुमा हसरा जह रहो माने फिर हसरा जह हसरा माने होता है झुकाना हसरा झुकाना जहर माने पीठ जहर माने पीठ सुम्मा हसर जहर फिर आपने अपनी पीठ झुकाई फैदा रफा रसहु इस्तवा रफा माने उठाना रफा सर उठाना रफा रसहु सर उठाना रफा माने उठाना बुलंद करना रस माने सर इस्तवा इस्तवा माने होता है सीधा होना यानी सीधा खड़ा होना इस तवा माने सीधा खड़ा होना यूद कुल्ला फ़कारिन मकान हो हता माने यहाँ तक की यऊद माने लौटना आद य लौटना वापस होना कुल माने हर कुल माने हर कुल्लू फकारिन कुल्लू फ़कारिन कुल, कुल, कुल माने हर सब तमाम फकार फ़कार के माने होता है हड्डी फकार माने हड्डी पुष्ट की वो हड्डी जो ऊपर से नीचे वाले जोड़ों को बाहर मिलाती है माने पीठ पीठ की वो हड्डी जो ऊपर से नीचे वाले जोड़ों को ज्वाइंट करती है मिलाती है उसको कहते हैं फकार तो फकार का माना लिख लीजिए हड्डी फकार فقار मकान मकान माने जगह فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما فإذا ما نجب فإذا ما نجب سجد من سجد كنا سجد يسجد سجد كنا وضع من ركنا وضع ركنا يديه أبني هاتكو غير مفترش ولا قابضهما غير من نهي मुफ्तरिश गैर मुफ्तरिश का माना लिखेंगे गैर मुफ्तरसिन ना फैलाने वाले गैर मुफ्तरसिन यानी ला गैर मुफ्तरसिन यानी ला मुफ्तरसिन ना फैलाने वाले ना फैलाने वाले मुफ्तरिश के माना होता फैलाना गैर माने नहीं गैर मुफ्तरिश ना फैलाने वाले, वाला काबिज़ हिमा काबिज़ काबिज़ के माना होता है सिकोड़ना समेटना काबिज़ काबिज़ के माना होता है समेटना सिकोड़ना واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة استقبل يستقبل استقبال واستقبل القبلة معناه قبل قبلة هنا واستقبل القبلة قبلة رخنا. قبلة كي طرف رخ کرنا اطراف من كنارا اطراف من طرف كي جمع ہے كنارا

जलस माने बैठना अला माने पर रिजिलने पाओ माने पाओ युसरा माने बाया व अल सब नसब माने खड़ा करना नसब माने खड़ा करना नसब अल युमना, दाएं पैर को खड़ा करते अल युमना माने दाया मुराद क्या है कि दाया पाओ दया पैर वलसा सिर रका मतलब आखिरी रिजलह अलयसरा तकदीम युकदम तकदीम इसका माना होगा आगे बढ़ाना आगे बढ़ाना दराज करना रिजल मने अल युसरा बाया वन सबल उखरा वन सबल उखरा नसब माने खड़ा करना कायम करना खड़ा रखना अल उखरा अल उखरा माने दूसरा दूसरे से क्या मुराद है दाया उखरा दूसरा पांव। मुराद क्या होगा दूसरा से दाया वका आद वका आदा अलामकदती का आदा बैठना का आदा बैठना अला मका मने मक अध पिछली शर्मगा जिसको उर्दू में सुरीन कहते हैं जिसको क्या कहते हैं सुरीन। अरबी में मकाद कहते हैं पिछली शर्मगाह के बल अला ही अपने पिछली शर्मगाह के बल सुरीन पर अखरजुखारी बुखारी रहम्ला ने बयान किया हदीस कहाँ की है सही बुखारी की है लंबी रवायत है इस हदीस में नमाज का तरीका बयान किया गया है

जा अलादई ही हज व मन की बई ही तो अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाते थे जा अला यदई ही अपने दोनों हाथों को रखते थे हज व मन की बई ही दोनों कंधों के बराबर यानी अपने दोनों हाथों को कंधे के दोनों कंधों के बिल मुकाबिल उठाते थे देखिए बहुत सारे लोग हाथ उठाते वक्त क्या करते कान को पकड़ते हैं ये सुनना साबित नहीं हदीस में जो कहा गया है कान तक या कंधे तक उठाते थे लेकिन कान छूने का जिक्र नहीं है कान छूने का जिक्र नहीं है बिल मुकाबिल कान के बराबर या कंधे के बिल बरा बिल मुकाबिल कंधे के बराबर उठाते थे तो इतना हाथ उठाना है नमाज में जब आदमी को दाखिल होना है तो उसका क्या तरीका है कि आदमी अल्लाह अकबर कहे और अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को कंधे के बिल मुकाबिल उठाए या कान के बिल मुकाबिल अपने दोनों हाथों को उठाए या कान और कंधों के बिल मुकाबिल अपने दोनों हाथों को उठाए कान छूने का जिक्र नहीं कान पकड़ने का जिक्र नहीं है कान तक या कंधे तक या उन दोनों के बीच में आदमी उठाए और ये कान और कंधे का जो मतलब एरिया है तकरीबन बराबर सराबर है बहुत करीब करीब है बहुत ज्यादा फासला नहीं है कान और कंधा क्या है बिल्कुल करीब करीब है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को उठाते थे तकबीर तहरीमा के वक्त यानी जब आदमी नवाद में दाखिल होता है तो कितना उठाते थे अपने दोनों कंधों के बिल मुकाबिल, हज मन की बही हज़ बने मुकाबिल बराबर मन की बने कंधा मन की बही दोनों कंधे अपने दोनों कंधे के बराबर वही दा सुम्मा हसरा सु फैदा रफा रवा हतारन मकान अब उसके बाद यहाँ पे रुकू और रुकू की बात का तरीका बयान किया गया है रबी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं वही रका अम कना यदई ही मेरे रुक बतई ही और जब आप रुकू करते वा रका और जब आप रुकू करते अम कना यदई ही अपने दोनों हाथ को मजबूती से पकड़ लेते मेरी रुक बतई ही अपने दोनों घुटने से अपने दोनों घुटने को दोनों हाथों से अपने घुटनों को मजबूती से पकड़ लेते रुकू में क्या करते हैं आदमी सर झुकाता है और अपने दोनों हाथों को को घुटने घुटने पकड़ अपने दोनों हाथों से घुटने को पकड़ता है तो दाएं हाथ से दाएं घुटने को बाएं हाथ बाएं स... हाथ को बाएं घुटने से मजबूती के साथ पकड़ना है मजबूती के साथ पकड़ना है कि ताकि आदमी की पीठ और सर क्या हो आ, कमर सब बैलेंस हो और हाथ क्या हो मजबूती के साथ घुटने पे रखा हुआ हो वही कहते हैं वही इधारा का अम का न यदई ही रुक बतई ही जब आप रुकू करते अम का ही अपने दोनों हाथों से क्या करते थे मजबूती से पकड़ लेते थे मेरे रुक बुत रुक बतई ही अपने दोनों घुटनों घुटनों को दाएं हाथ से दाएं घुटने को और बाएं हाथ से बाएं घुटने को सुम्मा हसरा जहर हो फिर अपनी पीठ झुका लेते थे हसरा माने झुकाना फिर अपनी पीठ झुकाते थे पीठ झुकाते थे मतलब पीठ बिल्कुल सीधी रखते थे उसका तरीका बताया गया है कि सर कमर पीठ क्या हो बिल्कुल एक लेवल पे हो बराबर हो ना पीठ बहुत ऊपर हो सर ना झुका हो बल्कि सर कंधा पीठ कमर क्या हो लेवल एक जैसा हो बराबर हो हाँ सलाह रहू अपनी कमर को अपनी पीठ को झुकाते थे यानी बराबर रखते थे फीदा रफ आ रू और जब आप अपने सर को उठाते थे यानी रुकू से इस तवा सीधे खड़े हो जाते थे सीधे खड़े होते थे यानी रुकू करने के बाद रुकू करने के बाद जब आदमी सर उठाता है तो खड़ा होना है जिसको कौमा कहते हैं रुकू के बाद जब सर उठाते हैं खड़ा होते हैं उसको क्या कहते हैं नमाज की में इसमा तो फ़ाइदा रफा रसहु जब अपने सर को उठाते थे यानी रुकू से इस तबा सीधे खड़े हो जाते थे हती यऊद कुल्लू फ़कारन मकानहू यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी अपनी जगह पर लौट आती थी हती यऊद यहाँ तक की लौट आती थी कुल्लू फकारन हर हड्डी मकानहू अपनी अपनी जगह पर सारी हड्डियाँ अपनी अपनी जगह पर लौट आती थी यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी इत्मीनान से एतदाल से सुकून से नमाज पढ़ते थे जल्दबाजी नहीं करते थे कि रुकू किए तो फौरन सजदा कर दे नहीं रुकू के बाद सजदा नहीं किया जाता है रुकू के बाद सर उठाया जाता है सीधे खड़ा हुआ जाता है दुआ पढ़ी जाती है फिर इत्मीनान से सजदा किया जाता है रुकू और सुजूद के दरमियान एक गैप है एक इबादत है कौमा की इबादत है ये आदमी खड़ा हो सीधे हर हड्डियां अपनी अपनी जगह पर पहुँच जाए इतमान के साथ उसके बाद कहते हैं फैदा सजदा वई ही गैर मुफ्तरशिन वाला अकाफी असाबी रिजलई अल्कबिला यहाँ सजदे का जिक्र है कि आप सजदा कैसे करते थे कहा फदा सजदा وضع ही जब आप सजदा करते तो दोनों हाथ को रखते जब आप सजदा करते तो दोनों हाथों को रखते थे यानी ज़मीन पर रखते थे किस तरह रखते थे कहा गैर क़ाबिन गैर मुफ्तरशिन वाला क़ाब गैर मुफ्तरशिन वला काबिज़ न ज़्यादा सिमटे होते और न जमीन पर बिछे होते हाथ कैसे होता था न ज़्यादा आप समेटते थे और न ज़मीन पर बिछाते थे मतलब क्या था कि वो जमीन से पैर जमीन से और बाजू से हाथ ऊपर रहता था हाथ फैलाते नहीं थे जमीन पर रखते नहीं थे और ना उसको समेटते थे कि उसको बाजू से समेट लें बल्कि हाथ जो होता था वो बाजू से और जमीन से अलग होता था गैर मुफ्तरशिन वाला काबिज हिमा दोनों हाथों को न ज़्यादा बिछाते थे वाला काबिजीमा और न दोनों को समेटते थे वस्तबला बतराफ़ी असाब ही असाबी रिजन अलकबिला और सजदेही की हालत में दोनों पाँव की उंगलियां किबले की तरह रखते थे किबले का रुख करते थे बेअराफी असाबी रिजलई ही अपने दोनों पैर की उंगलियों को के किनारे से यानी उंगलियों का किनारा कहाँ होता था उंगलियों पैर की उंगलियों का रुख किबला की तरफ होता था यानी जमीन पर उसको सजदे की हालत में गाड़ देते थे उंगलियाँ कहाँ होती थी जमीन से टच होती थी और जो नाखून है जो उंगलियों का किनारा है उसका रुख कहाँ होता था काबा की तरफ होता था किबले की तरफ़ होता था यानी पैर ज़मीन से अलग नहीं होगा ज़मीन पर गाड़ देंगे ज़मीन से टच करेंगे इस तौर पर कि उंगलियाँ उंगलियों का जो सिरा है किनारा है वो कहाँ हो क़िबला की तरफ हो तो सजदे में दोनों पाँव की उंगलियाँ किबला की तरफ आप रखते थे बिले का इस्ताल करते थे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदा करने की कैफियत का यहाँ पर जिक्र है उसके बाद प्यारे नबी सात सजदे के बाद जब आप बैठते थे तो आपके बैठने का तरीका क्या होता था कहा वा इदा जलसा फिर रका आती फ़दा जल फिर रका आतयी जलसा अला रिजली ही और जब आप दोनों रकात में बैठते दोनों रकात में आप बैठते दो रकात में यानी पहली रकात दूसरी रकात के बाद जब तशहूद है दूसरी रकात में चार रकात या तीन नमाज वाली की जो रकात है तो जो पहला तशुद होता था वीदा जलसा फिर रकात नहीं दूसरी रकात में जब आप बैठते क्या मतलब है यानी चार रकात वाली नमाज हो या तीन रकात वाली नमाज हो तो जब पहला तश्द होता था जब आप बैठते थे तो बैठने का तरीका क्या था कहते हैं जलस अला रिजल अ अपने बाएं पैर पर बैठते थे जलसा बैठते अला रिजल ही अलुसरा अपने बाएं पैर पर व सब अलयुना और दाएं को खड़ा रखते थे दाएं को खड़ा रखते थे यानी पहले तशहुद में पहले तशहुद में आप इस तरह बैठते थे क्योंकि पहला तशहुद क्या होता है शॉर्ट होता है मुख्तसर होता है सिर्फ उसमें तशहुद पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं तशहुद पढ़ते हैं अतः तो आप सल्लासम कैसे बैठते थे बाएं पैर पर बैठते थे और दाएं को खड़ा रखते थे व वीदा जल जब आप आखिरी रकात में बैठते थे आखिरी रकात मतलब जब आप तीसरी रकात में बैठते थे जैसे मगरिब की नमाज है या अवित्र की नमाज है या चौथी रकात में बैठते थे जैसे जहर की नमाज है या असर की नमाज है या ऐशा की नमाज है तो आप कैसे बैठते थे قدم رجله اليسرى قدم رجله اليسرى आप अपने बाएं पैर को जब आप आखिरी रकात में बैठते तो क्या करते थे बाएं पैर को आगे करते थे قدم رجله اليسرى बाया पांव आगे बढ़ा देते थे कैसे आगे बढ़ाते थे दाएं रान के नीचे से दाएं रान के नीचे से दाएं रान के नीचे से मतलब क्या है टखने और घुटने के बीच वाली जो जो हड्डी है बीच का जो हिस्सा है टखने और घुटने के बीच का जो हिस्सा है दाएं रान के नीचे से आप उसको क्या करते थे बाएं पैर को आगे बढ़ाते थे वह नस्बल उखरा और दाएं पैर को खड़ा करते थे दाएं पैर को खड़ा करते थे आदती ही और अपनी सुरीन पर बैठते थे अपनी सुरीन पर बैठते थे मतलब अपनी पिछली शर्मगाह पर बैठते थे यानी पिछली शर्मगाह बिल्कुल जमीन से टच होती थी जैसे दूसरे दूसरी रकात में जब तशद बैठते कैसे बैठते थे उसका तरीका मुख्तलिफ होता था अलग होता था आप बाएं पैर पर बैठते थे पहले तश्द में लेकिन जब आखिरी तशुद होता था जिसमें सलाम फेरते थे तो आप कैसे बैठते थे अपनी पिछली शर्मगा पर बैठते थे यानी पिछली शर्मगा सुरीन ज़मीन से टच होती थी पैर पर नहीं बैठते थे बल्कि वो ज़मीन पर होता था रबा अखरजुलबारी इमाम बुखारी रम्दी को बयान किया है यहाँ पर आप अलैहि वसल्लम की नमाज़ का तरीक़ा बताया गया है कि आप नमाज कैसे पढ़ते थे नमाज़ में कैसे दाखिल होते थे कैसे खड़े होते थे रुकू कैसे करते थे सजदा कैसे करते थे तशहद में कैसे बैठते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तशहद में कैसे बैठते थे और दूसरे तशद में कैसे बैठते थे ये तरीक़ा आपकी हदीस में बयान किया गया है तो जो आखिरी रकात में आप बैठते थे जिसमें सलाम फेरा जाता है तो उसमें आप तवरुक के साथ बैठते थे यानी जिस तरह बैठते थे उसको तवरुक कहा जाता है नमाज की असलाह में तवरुक कहा जाता है उसका तरीका यहाँ बताया गया है कि आप वसल्लम अपने बाएं पैर को रान दाएं रान के नीचे से आगे बढ़ा देते थे दाएं रान के नीचे से आगे बढ़ा देते थे किसको बढ़ाते थे बाएं पैर को और दाएं पैर को, को खड़ा रखते थे दाएं पैर को खड़ा रखते थे और फिर अपनी पिछली शर्मगा पर सुरीन के बल बैठते थे यानी जैसे आखिरी रकात में जिसमें सलाम फिरते हैं उस तरह बैठते हैं इस तरह बैठने को नमाज की अतला में तवर्रुक कहा जाता है क्या कहा जाता है तवर्रुक हदीस का तर्जा एक बार फिर से देखिए हजरत अबू सईद हदरत अबू हमेदी रजी अल्लाह तु कहते हैं तो रसूल सल्ला जा की भाई ही। कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्ला को देखा जब आप तबीर कहते नमाज में दाखिल होने के लिए तकबीर तरिमा कहते जा अलादई हजो मन की बई तो अपने दोनों हाथों को उठाते थे अपने दोनों कंधों के बराबर वहीदा रकाई ही मिन रुबई और जब आप रुकू करते तो अपने दोनों हाथों से अपने घुटने को मजबूती से पकड़ लेते थे अम ही मजबूती से पकड़ लेते थे मेरे रुक बतई ही अपने दोनों घुटने को सुम हसरा रह रहू फिर आपने कम, अपनी कमर को अपनी पीठ को झुकाते थे फदा रफा रु इसबा और जब अपने सर को रुकू से उठाते थे तो सीधे खड़े हो जाते थे हती यूद कुल्ला फ़कारन मकानों यहाँ तक कि जिसम की सारी हड्डियाँ अपने अपने जगह पर पहुंच जाती थी यानी इतमान के साथ एतददाल के साथ फईदा सजदा वदा यदही गैर मुफ्तरशिन वाला काबिल दिमा और जब आप सजदा करते तो अपने दोनों हाथ को जमीन पर रखते थे अपने दोनों हाथ को जमीन पर रखते थे किस रखते थे गैर मुफ्तरशिन वाला दिमा गैर मुफ्तरश दोनों बिछे हुए नहीं होते थे वाला काबिल और न दोनों सिमटे होते थे जो हाथ होते थे न बहुत फैलाए होते थे और न सिमटे होते थे वस्तक वाला बेअराफ ही असाबी रिजली ही अलबिला और सजदेही की हालत में दोनों पाँव की उंगलियों कोबिला रुख करते थे वस्तक तो वालाबिला रुख करते थे किसको रख करते थे बेअराफ ही असाबी रजली ही अपने दोनों पाँव की उंगलियों को यानी उंगलियों का किबले की तरफ होता था यानी ज़मीन पर उंगलियों को गाड़ देते थे ज़मीन से अलग नहीं रखते थे बल्कि ज़मीन से टच रखते थे वहीदा जलसफिर रकानी जल साल रजली अल्यूसरा और जब आप दूसरी रकात यानी पहले तशद्द बैठते थे तो क्या करते थे अला जलस अजलीसरा अपने बाएँ पैर पर बैठते थे और अनस्ल यमना और दाएँ पैर को खड़ा रखते थे ये दो पहले तशद्द बैठते हैं वहीदा जल सफिर रका अखीरा और लेकिन जब आखिरी रकात बैठते थे यानी दूसरे तशद्द में या जिसमें सलाम फेरते हैं जैसे फजर की नमाज़ है तो आखिरी रकात में जब आप बैठते थे तो चूंकि ये लंबा होता है अतहियात पढ़ते हैं दरुशरीफ पढ़ते हैं फिर दुआ पढ़ते हैं फिर दुआ करते हैं तो ये लंबा तशद होता है तो आप इस तरह बैठते थे कैसे बैठते थे जिसको नमाज की इस्लाम तवरुक कहा जाता है कैसे बैठते थे कहते वही था जलत है फिर रका अखीरा जब आप आखिरी रकात में बैठते कदम रिज लहुल यूसरा अपने बाएं पैर को आगे करते दाएँ पैर के दाएँ पैर ई रान के नीचे व रस अल उखरा और दाएँ पाँव को खड़े रखते वज़ाद आदती ही और अपनी सुरीन के बल या अपने जिस अपने पिछली शर्मगाह के बल बैठते थे अखरजुल बुखारी इमाम बुखारी रहा ने हदीस को बयान किया है तो इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ की पूरी कैफियत बता बताई गई है कि आप कैसे नमाज़ पढ़ते थे कौन से अरकान को आप कैसे अदा करते थे खड़े कैसे होते थे हाथ कैसे उठाते थे रुकू कैसे करते थे रुकू के बाद कैसे खड़े होते थे फिर सजदा कैसे करते थे और फिर तशुद में कैसे बैठते थे पहले तशद में कैसे बैठते थे दूसरे तशहद में कैसे बैठते थे ये पूरा तरीक़ा इस हदीस में बयान किया गया है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सलील स नमाज़ का तरीक़ा पढ़ के बताया है और अमला बताया है तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है जैसे अल्लाह के रसूल सल्ला वम नमाज़ पढ़ी है उसी तर्ज़ पर उसी तरीक़े पर नमाज़ पढ़े अल्लाह के नबीसम ने हमें हुक्म दिया है सल्लुकमार आयतु वसली जैसे तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है तुम भी उसी तरह नमाज़ पढ़ो यानी इतमान के साथ इतदाल के साथ सुकून के साथ नमाज़ पढ़ो आप सला ऐसी नमाज़ पढ़ते थे सुकून के साथ इतमान के साथ इतदाल के साथ जल्दबाज़ी नहीं करते थे कि सर रुकू से उठाया नहीं कि सजदे में चले जाए जैसा कि बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते पढ़ाते हैं गलत है ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है आप रुकू से सर उठाते तो सीधे खड़े हो जाते जिसमें कि सारी हड्डियाँ अपनी अपनी जगह पर पहुँच जाती तो इत्मीनान के साथ एतदाल के साथ नमाज़ पढ़ना चाहिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आप सबको नेक अमल की तौफीक तो अता फरमाए आमीन या रब्बाल आलमीन व नबी जिना मुहम्मद व सल्लत व असलिमन कफीरो अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह ल्हुत ल्हुत बरकातहू